हेलो दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की फॉर्म वापस रीओपन हो चुकी है। तो ऐसे में बच्चों के मन में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर के जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि यार अब फॉर्म रीओपन हो चुकी है तो क्या परीक्षाएं होगी होगी। अब बिल्कुल फिक्स ही लग रहा है उनको कि यार परीक्षाएं हो ही जाएगी, तो क्या परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में मैं देने वाला हूं। उसके अलावा बच्चों के मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि राजस्थान सरकार परीक्षाओं के ऊपर जल्दी से फैसला क्यों नहीं ले रही है, और फैसला अगर लेंगे तो कब लेंगे। तो इन तीनों सवाल जो बहुत बड़े सवाल हैं हर बच्चे के मन में आ रहे हैं, इन तीनों सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि फॉर्म रीओपन हो चुके हैं तो परीक्षाएँ होगी होगी, तो ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत है। फॉर्म इसलिए ओपन हुए हैं कि कोरोना के कारण बिल्कुल व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, इसके कारण फॉर्म रीओपन किए गए हैं। फॉर्म का और परीक्षा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कि फॉर्म ओपन रीओपन हुए हैं तो परीक्षाएं होगी होगी। वैसे भी अगर प्रमोट भी करेंगे तो प्रमोट उन्हीं विद्यार्थियों को करेंगे जिनके फॉर्म पहुँचे हैं वहाँ तक, है ना। ऐसे थोड़ी हर किसी को प्रमोट कर देंगे, जिन विद्यार्थियों के फॉर्म वहाँ पहुँच चुके हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोट करने से पहले या पास करने से पहले, परीक्षा लेने से पहले फॉर्म भराना बिल्कुल ज़रूरी था, तो फॉर्म भराए गए हैं। तो फॉर्म भरने का मतलब आप ये मत समझिए कि परीक्षाएं होगी, ठीक है। तो उससे पहले पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि मंत्रिमंडल की बैठक जो गहलोत सरकार की हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, परीक्षाओं के बारे में चर्चा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है। और निर्णय ले भी लिया गया है तो उसको प्रकाशित नहीं किया गया है, मतलब है ना अंदर ही अंदर इनके बीच में चल रही है। अभी तक ये प्रस्ताव तैयार हुआ है, अभी तक सिर्फ एक ही प्रस्ताव तैयार हुआ है कि थर्ड ईयर की जो परीक्षा है वो अगले महीने में होने वाली है, ठीक है। अब थर्ड ईयर की परीक्षा में भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि सबका कहना है कि जब तक टीकाकरण नहीं होगा, जब तक सभी बच्चों को जो थर्ड ईयर वाले हैं उनको अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो उनकी परीक्षा लेना थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बेंस सा हो रहा है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन रहा है सरकार के सामने। आपको ये प्रश्न, दूसरा वाला प्रश्न था कि क्यों निर्णय नहीं लिया जा रहा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। समस्या ये है कि परीक्षा ली जाए तो कब ली जाए और कैसे ली जाए, ऑनलाइन ली जाए या ऑफलाइन ली जाए। अभी तक ये मुद्दा बहुत उठ रहा है कि ऑनलाइन ली जाए ऑफलाइन ली जाए। अगर ऑनलाइन ली जाएगी परीक्षा तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर वाले बच्चों की परीक्षा होगी और ऑनलाइन होगी तो, ठीक है। और ऑफलाइन लेने के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक ऑफलाइन परीक्षा हो ही नहीं सकती, ठीक है। और फर्स्ट ईयर जो वाले जो बच्चे हैं उनमें अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कई बच्चे होते हैं जो 17 साल से कम के हैं, तो उनके लिए तो भी वैक्सीन आई नहीं, तो फर्स्ट ईयर की परीक्षा का तो लगभग 90% आप मान सकते हैं कि ऑफलाइन फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की भी हो सकती है, और सेकंड ईयर वाले बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ऐसे है कि उनकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो अगर ऑफलाइन होगी तो टीका लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद ही होगी, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के बीच में भी थोड़ा सा डाउट है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनका क्या कहना है परीक्षा के बारे में। तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना चाहिए, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ध्यान से सुन ले कि उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, संक्रमण का खतरा इससे कम होगा। ऐसा किसका कहना है, ये कहना है नवरंग चौधरी, जो निजी कॉलेज, जो अपने जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अध्यक्ष हैं, ऐसे एक अध्यक्ष होते हैं जो हमारी जो सारी कॉलेज हैं अपनी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उनकी पूरी अपनी बात रखने के लिए एक अध्यक्ष हैं उन निजी कॉलेजों के, तो उनका नाम क्या है, नवरंग चौधरी जी। उनका कहना है कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना चाहिए, तो इनका सपोर्ट करना है हमको, ठीक है। और इन्हें यानी परीक्षाओं पर निर्णय अभी प्रक्रियाधीन है और जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा, ये बहुत ही पहले से बात कर रहे हैं कि जल्दी फैसला लिया जाएगा। ये कहना किसका है, ये उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इस डिसीजन में कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। और उसके अलावा सबके मन में प्रश्न आ रहा है कि कब निर्णय आएगा, तो इसका जवाब एक छोटा सा जवाब है जिसका कारण भी है, कारण सहित मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है कि कब इस पर फैसला आएगा। तो इस पर फैसला आएगा जहाँ तक है 5 जुलाई जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके बाद या तो 6 जुलाई को शाम तक या 7 जुलाई को इसके ऊपर फैसला आ सकता है कि परीक्षाएं कब होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर अभी फैसला कर देंगे कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था और उन नहीं भरने वाले थे वो भी फॉर्म भर देंगे, क्योंकि प्रमोट हो रहे हैं फ्री में, ऐसे पॉकेट में पास हो रहे हैं, तो वो भी फॉर्म भर देंगे। तो इसके लिए 5 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना होगा, जहां तक मुझे लगता है कि 5 जुलाई तक जब फॉर्म बंद हो जाएंगे उसके बाद ही प्रमोट करने पर और परीक्षा होने पर निर्णय लिया जाएगा। और परीक्षा होगी फर्स्ट ईयर की तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा के कोई चांस नहीं है। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के बीच में थोड़ा सा ऐसे डाउट है यार, ऑफलाइन भी हो सकती है अगर उनके लिए कुछ वैक्सीन का कोई अलग ही प्रावधान कर दिया जाए, ठीक है, नहीं तो उनकी ऑनलाइन तो उनकी हो सकती है जहाँ तक है, ठीक है। और फाइनल ईयर वाले बच्चों का
तो भगवान ही मालिक, उनकी तो परीक्षाएं होगी होगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एजुकेशन से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।